ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा सील दीवा जैसे परिसरों में टोरेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लोग किसी भी कीमत पर टोरेंट को बर्दाश्त नहीं करने की बात कर रहे हैं। बिजली के निजीकरण रद्द करने को लेकर नेता लेटर दे रहे हैं, कोई ऊर्जा मंत्री को लेटर दे रहा है तो कोई जिला कलेक्टर को, तो वहीं कोई उपोषण पर बैठा है। देसाई नाका पर टोरेंट के खिलाफ टोरेंट हटाओ कृति समिति विलास लक्ष्मण महात्रे उपोषण पर बैठे हुए हैं। दशरथ पाटिल, गोविंद भगत, हीरा पाटिल, रफीक मुकादम, शाह आलम ऐसे तमाम लोग उपोषण में समर्थन दे रहे हैं। इनकी मांग है कि टोरेंट को रद्द किया जाए। टोरेंट से जिस तरह से भिवंडी के लोग परेशान हैं, हमें ऐसे टोरेंट की जरूरत नहीं है। वहीं 26 तारीख को ऊर्जा मंत्री बावन कुले से टोरेंट पर चर्चा भी होगी। टोरेंट आगे कोई फायदा भी नहीं था, नुकसान तो ये है कि टोरेंट से ना शटडाउन रुकता ना और कुछ, और टोरेंट का जो बिल का डिफरेंस है अपना MSME का 100 तक 4 रुपये 10 पैसा है, उसके बाद 200 यूनिट पे 300 यूनिट 9 रुपये है, उसके बाद 12 रुपये है। टोरेंट का 4 रुपये 10 पैसे के बाद सीधा 12 रुपये, मतलब 9 रुपये का ही नहीं, मतलब गरीब आदमी को डायरेक्ट 12 रुपये ही यूनिट से बिल आएगा वो है। और वो हर बात पे पुलिस केस करते हैं, जैसे ज़रा सी भी कुछ गड़बड़ की तो पुलिस उसका भी 10,000 रुपये कोर्ट पे जामीन करो, फिर जुर्माना दे के बिल भरो। अगर मांग पूरी नहीं होती मैं तो मरते दम तक यहाँ पे रहूँगा, बाकी जनता क्या करती है वो उनके उनपे डिपेंड है। जनता खुद इसका विरोध कर रहा है। जनता ने ये भी बताया कि हम टोरेंट को हटाएंगे, महावितरण का मीटर लेंगे, बिल भरेंगे, लेकिन टोरेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बावन कुले जी की बदमाशगिरी है। उन्होंने हमको 20/2/2019 को मीटिंग में कहा, हमने उनको सीधा बताया कि हमारा जो आवाम है, स्थानिक आवाम है भिवंडी का, उस पर ये टोरेंट वाले अत्याचार कर रहे और हम वो सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बोला टोरेंट वाले को, वही मीटिंग में 20 तारीख के मीटिंग में खुद टोरेंट वाले को बावन कुले साहब ने फोन पे बात किया कि आप टोरेंट को लेकर वहाँ का ग्राहक को लेकर एक मीटिंग लगाओ। आज तक टोरेंट वाले ने या बावन कुले साहब ने वो मीटिंग नहीं लिया, इसका मतलब हम सरकार का धिक्कार करते हैं। सरकार अपने वचन से मुकर रहा है, उसका भी हम निषेध करते हैं। और अगर कल हमको मीटिंग लगाया बावन कुले साहब ने, 26 तारीख को मीटिंग होने वाला है, अगर उसमें फैसला नहीं दिया, टोरेंट को दिया हुआ ठेका रद्द नहीं हुआ, तो हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। 27 तारीख को रास्ते पे उतरेंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। यानी ऊर्जा मंत्री के साथ होने वाली बैठक में अगर बिजली निजीकरण रद्द नहीं होगी तो 27 तारीख को सड़कों पर आंदोलन होगा। आपको बता दें कि इसी तरह पहले भी आंदोलन हुआ है। अब एक बार फिर टोरेंट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, मगर अब देखने वाली बात यह है कि ऊर्जा मंत्री के साथ होने वाले बैठक में क्या फैसला होता है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।